गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी स्टार्टेड न्यू एक्सरसाइज 3, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन की आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सी, फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर रिमेन एंड सेम इवन इन देयर ऑर्डर इज चेंज्ड। दिस इज नाउ इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि आपको दो नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि 3650 एंड मल्टीप्लाई बाय 26, तो आपका आंसर क्या है, 94900। यदि उनको हम चेंज कर देते हैं उनके ऑर्डर को, यानी कि 26 हमने पहले कर लिया और 3650, तो उसका आंसर क्या आया हमारा, आंसर क्या आया हमारा, सेम। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री गिवन नंबर, यदि आपको प्रॉपर्टी में तीन गिवन नंबर दिए हुए हैं, रिमेन द सेम इवन देयर ग्रुपिंग इज चेंजेड। यदि हम तीनों नंबर्स को अलग अलग ग्रुप में चेंज करके करें, तो वो क्या होता है, प्रॉपर्टीज हमारी क्या आती है, जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है हमारा, सेम आता है। तो वो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, 25 मल्टीप्लाई बाय 689 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर हमने 25 मल्टीप्लाई बाय अब 689 और 4 को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है, तो ये आया। अब देखिए, आपने अब सबसे पहले हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उससे किया। अब हम 25 को 689 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ रहा है 17,225। फिर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी हमारा आंसर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 68,900। अब हम 689 को अलग करके 25 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 आया। और 689 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम फर्स्ट ऑर्डर को सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर को थर्ड ऑर्डर से ऐसे करके यदि ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं और थ्री डिजिट दी भी है और उनके प्रोडक्ट सेम आते हैं, तो वो कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन थर्ड इज फर्स्ट नंबर एंड सेकंड एंड प्लस थर्ड, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, दिस नाउ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स यदि आपको एडिशन और एडिशन के साथ आपको यदि कोई मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे सी एग्जाम, 187 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ब्रैकेट 90 प्लस 5 क्लोज द स्मॉल ब्रैकेट। अब हमने 90 प्लस 5 को ऐड किया और फिर क्या किया हमने, उसको आंसर निकाला 17,764। फिर हमने 1787 को 90 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड करके 5 से भी मल्टीप्लाई किया और दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ऐड किया, तो भी हमारा सेम आया। उसके बाद हमने 187 में 95 को ऐड किया और फिर हमने निकाला अलग अलग करके, तो भी हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यही है हमारी नेक्स्ट, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर माइनस थर्ड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर। दिस इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हमने जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी, सब्ट्रैक्ट एडिशन में थी। अब ये कौन सी है, सब्ट्रैक्शन में। तो 187 मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस 5, तो हमने किया, आंसर ये आया। फिर हमने 87 को 90 से किया और फिर 87 को 5 से किया, फिर हमने माइनस करके किया, आंसर सेम आया। फिर हमने क्या किया, 87 को 19 से किया और फिर 87 को हमने माइनस करके 87 को 19 से किया और 87 को, तो ये आंसर क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ any given number by one is number itself is now as the identity property of multiplication। यदि किसी भी number को हम one से multiply करते हैं तो वही same number हमें मिलता है, तो ये कौन सी property कहलाती है, identity property। last property is the product of any given number and zero is zero। यदि हम किसी भी number को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, जीरो ही मिलता है। अब हम एंड द सी द एक्सरसाइज 1 मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग
मल्टीप्लाय द फॉलोइंग. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज 68 by 34 एंड सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसमें कैसे करेंगे, 68 मल्टीप्लाई बाय 30 एड बाय 4, राइट कर लिया आपने. अब हम करेंगे 68 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड एड 68 मल्टीप्लाई बाय 4. अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2040 एड बाय 272 2113 तो आपका आंसर क्या आएगा, 2312, राइट. क्लियर, एनी डाउट? एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 डू इन नोटबुक. थैंक यू.